हेलो दोस्तों, एक बार टेक्निकल त्यागी में आपका फिर से स्वागत है। टेक्निकल दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल में नहीं हैं और आपको मल्टीमीटर भी चलाना नहीं आता है तो दोस्तों ये वीडियो खास आप ही के लिए है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मल्टीमीटर के बेसिक यूज़, मल्टीमीटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बेसिक यूज़ क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, और तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको पता है आप एक नई यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं या आपको पता नहीं है कि आप ब्लूटूथ को ऐसे माइक कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका आई लिंक में दे देता हूँ, तो उससे आप सीख सकते हैं कि ऐसे ब्लूटूथ को हम ऐसे माइक कैसे यूज़ करें। मोस्टली मैं भी अपने ब्लूटूथ को माइक की तरह ही यूज़ करता हूँ, सारी सारी की सारी वीडियो मैं इसी से बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो आप आई लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल बनाए हैं और वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ जो ये बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक उनका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इलेक्ट्रिकल में नए हैं आप तो मैं आने वाली बहुत सारी वीडियो आपके काम आने वाली है मेरी, जो मैं नए नए टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू यूज़ द मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का सही इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोल्टेज से। ठीक है दोस्तों, ये जो वी वाला सिंबल है और जिस पे यहाँ प्लेन लाइन है, तो दोस्तों हम हमेशा याद रखना है कि हमें यहाँ पे डीसी वोल्टेज ही चेक करना है इस पे लाके। अगर हम इधर लाते हैं तो सिर्फ हमें डीसी वोल्टेज चेक करना है। ठीक है दोस्तों, और ये है हम 2 वोल्ट से 20, 200, 600, 600, 600 वोल्ट तक, 2 से 600 वोल्ट तक हम इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसी वोल्टेज, जहाँ पे ये सिंबल बना हो एसी का, सिर्फ हमें एसी कंडीशन में एसी वोल्टेज चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप इधर डीसी पे लगाया हुआ है और आपने एसी चेक करने लग गए, तो इस कंडीशन में हमारा मल्टीमीटर भी डैमेज हो सकता है। जैसे सपोज करो हमने एसी वोल्टेज चेक करने हैं, तो हमने अगर हमने 3 फेज़ चेक करना है, यानी फेज़ टू फेज़ चेक करना है, तो हमने 600 पे करना होगा। और अगर हमने नॉर्मल वोल्टेज चेक करना है, जैसे सपोज करो पावर सप्लाई है कुछ है जहाँ पे हमारे 200 वोल्ट से कम होते हैं, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 200 पे। बाकी चाहे सिंगल फेज़ है और चाहे डबल फेज़, हमें 600 पे ही चेक करना है। ठीक है, क्योंकि सिंगल फेज़ में भी 220 होते हैं, तो यहाँ पर 200 है, तो हमें 600 पर ही 200 चेक करना है। तीसरा आता है दोस्तों रेजिस्टेंस चेक करने का। हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास में, सपोज करो बल्ब है, फ्यूज़ है, एनओएनसी स्विच है, इसको जीएस स्विच भी बोलते हैं, या फिर बोर्ड है, एलईडी है, कुछ भी है दोस्तों, हमें उसके कई बार ना हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है कि ये सही है, काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो इक्विपमेंट है, जो भी हम जिसका रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी आप मेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि 2 एम, 200 एम, या फिर कम में है तो 200 के, 20 के, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जैसे सपोज करो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, आप जैसे सपोज करो फ्यूज़ चेक करना है, या हमने ये एलईडी बल्ब चेक करनी है, ये एलईडी है हमारे पास में और हमने इधर कर दिया है 200 के पे। ठीक है दोस्तों, एलईडी का हमने पॉइंट टू पॉइंट चेक करना होता है, और सपोज करो आपकी एलईडी सीरीज में है, एक सेकेंड, तो दोस्तों एक हाथ से सेट नहीं बैठ रहा था, अभी देखो मैंने ये थोड़ा फ़ोन को सेट कर दिया है, तो ठीक है। तो हम अब चेक करते हैं एलईडी, ये देखिए एलईडी अपनी ठीक है, 15.74 इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं, ये भी ठीक है, तो ये अपनी एलईडी सोल्डर है दोस्तों, एक सेकेंड, नहीं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस पे जाके आप अपनी एलईडी वगैरह चेक कर सकते हैं, और दोस्तों जब आप इसका प्लस माइनस चेंज कर देंगे तो ये एलईडी शो नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है,
200 इसी बीच में आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी घर की जो एलईडी होती हैं उनमें दो दो तीन तीन एलईडी होती हैं, तो उनको रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ये एलईडी है ना वैसे ही उनमें होती हैं, बस टाइप दूसरी होती है। तो सपोज़ करो उसको मल्टीमीटर से चेक कर लो, अगर कोई सी ओपन है ख़राब है तो उसको ना सोल्डिंग आयरन से उसके दोनों पॉइंट सोल्ड कर दो, बाकी सारी एलईडी ना जलने लगेंगी, यानी ये सर्किट पूरा हो जाएगा और आप अपने घर की एलईडी भी रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों इसका अगला फंक्शन आता है कंटिन्यूटी का। दोस्तों हमें बहुत जगह कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है कि ये वायर सही है ख़राब है, कैसे पता लगा, हम उसके अंदर तो घुस नहीं सकते, तो हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। सपोज करो ये वायर है और ये बीच से टूटी हुई है, एग्जांपल हमें कैसे पता लगेगा क्योंकि इस पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसको इधर से और इसको इधर से टच करेंगे तो ये आवाज़ बीप के साथ में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जो ये वायर है ये ठीक है। दोस्तों हम इससे कुछ भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो पावर की केबल है या कुछ भी है, इवन हम फ्यूज़ भी इससे चेक कर सकते हैं। देखो जैसे ये हमारा फ्यूज़ है, इसको हम इधर टच करते हैं, यानी कि हमारा फ्यूज़ भी सही है। ठीक है दोस्तों, कई बार पता नहीं लगता है, क्लियर होता है तो दिख भी जाता है, जो सेरेमिक फ्यूज़ होते हैं उनमें पता नहीं लग पाता कि हमारा फ्यूज़ सही है या गलत है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी GS स्विच वगैरह होते हैं, ये NON NC स्विच भी बोलते हैं इनको, इनकी कंटिन्यूटी के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। सपोज जैसे कि ये है, ये ओपन होना चाहिए और ये शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम इस पत्ती को प्रेस करेंगे तो ये बंद होना चाहिए, ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बजना चाहिए कंटिन्यू। ठीक है, जब पत्ती प्रेस होती है तो ये दोनों पत्तियाँ शॉर्ट होती हैं, सॉरी ये और ये। ऐसे ये NO NC स्विच भी बोलते हैं इसको, ये और ये NO होती है, सॉरी NC, और ये और ये NO होता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आता है इससे हम बल्ब भी चेक कर सकते हैं, जो छोटे मोटे बल्ब होते हैं मशीन में लगे होते हैं फ्यूज़ के साथ साथ में। इसको क्या करना होता है, हमने एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इसके सेंटर में लगाना होता है। देखो बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि बल्ब ओके है। ठीक है दोस्तों, ये जो फंक्शन होता है लाइट के लिए होता है, डिस्प्ले लाइट के लिए, कई बार अंधेरे अंधेरे में काम करना पड़ता है। ठीक है, और ये वाला होता है होल्ड के लिए, जैसे सपोज़ करो कुछ भी आपको होल्ड रखना है, बात तक किसी को दिखाना है कि इतना रेजिस्टेंस, आपने रेजिस्टेंस चेक किया जितना भी वैल्यू होगा उस पर जाके आप एक बार होल्ड कर देंगे तो वो होल्ड हो जाएगा, और किसी को भी दिखा सकते हो कि हाँ, मतलब इक्विपमेंट से हटा के भी अलग ले जाके भी दिखा सकते हो, वो होल्ड ही रहेगा। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही नई नई वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। और भले ही आप नए टेक्निकल हैं या एक अच्छा टेक्निकल बनना चाहते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, आने वाली भी और ये भी। ठीक है दोस्तों, बने रहिए टेक्निकल त्यागी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।